नरेंद्र मोदी हर भारतवासी की जुबान पर यही नाम है। देश ही नहीं विदेशों में भी नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है। हर कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जिंदगी की हर छोटी मोटी बात को जानना चाहता है। आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में रोचक बातें। तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिस्ट्रियस नॉलेज में। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की रोचक जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ रोचक बातें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान हैं। नरेंद्र मोदी को बचपन में नारिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भागवताचार्य नारायणचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे। एनसीसी में भी शामिल हुए। वे एक बार शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर लेकर आ गए। माँ के समझाने पर वे वापस उसे तालाब छोड़कर आए। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलवाई थी। वे बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला किया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी माँ ने बांसकाठा जिले के राजोसाना गांव में रहने वाली जसोदा बेन से किया गया था। नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो वहाँ सारे छोटे काम करते, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना शामिल है। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी माँ से जाकर आशीर्वाद लिया। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वाघेला उन्हें अपने स्कूटर पर घुमाया करते थे। नरेंद्र मोदी संघ में कुर्ते की बांह छोटी करवा ली ताकि वह ज्यादा खराब न हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया है और देश भर में मशहूर है। नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते और उसे ट्रिम भी करवाते। वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धरकर 2.5 सालों तक पुलिस को छकाते रहे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया है। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। उन्होंने सिगरेट, शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले उसकी तैयारी करना, बालों, कपड़ों की स्टाइल। नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। वे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है।
नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, जिनमें चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट आयोजन कर देश और विदेश के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित किया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन ने इसके बदले एक पैसा भी नहीं लिया। बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो कार के प्लांट के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने टाटा एक मैसेज देकर उन्हें गुजरात प्लांट लगाने की आमंत्रित किया। वेलकम टू गुजरात। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वे पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्या काटते हैं। गुजरात दंगों के दाग के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उन्हें फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेब कैम के जरिए जनता के सवालों के जवाब दिए। सवाल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूछे गए थे। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इनमें से एक जफर शरीश वाला थे, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में जब वे मोदी से मिले तो इनके करीबी बन गए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 में भी सोशल मीडिया का खूब प्रयोग किया। उन्होंने एक प्रचार समिति बनाई जिसका नाम सेंटर ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस है, जिसके हाथ में प्रचार की पूरी कमान थी। लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों में मोदी को लेकर दिलचस्पी जगी और 2 महीने में उनकी 40 से ज्यादा जीवनियां आई। बॉलीवुड में कई बड़े सितारे मोदी के फैन हैं। नरेंद्र मोदी आज भी अपने बहन भाइयों से अलग रहते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी के बारे में रोचक तथ्य। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।